नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पलटी। क्या बिहार में होगा सियासी उठापटक? क्या बीजेपी और जदयू फिर से करेंगे गठबंधन? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रहे। वहीं जिस अंदाज में नीतीश कुमार पटना से दिल्ली गए, उसको देखते हुए बिहार में सियासी हलचल और तेज हो गई है। ऐसे में आइए हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं जदयू की बड़ी बैठक के लिए दिल्ली जाने से पहले बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देकर नीतीश कुमार ने राजनीतिक पारा को और गर्म कर दिया है। इसके बाद तो यह कहा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ सेट भी हो गया है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी भी है, इसीलिए अगर जदयू ने इंडिया से अलग होने का फैसला किया तो बीजेपी को नीतीश कुमार को अपनाने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। देखे तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जरूरत है। गौरतलब है कि इनके वजह से बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हुआ। ऐसे में नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में मौजूदगी से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो बीजेपी को ना सिर्फ इनके लोकप्रियता का लाभ मिलेगा बल्कि इंडिया के बिखरने की भी संभावना बनी रहेगी। यानी कि बीजेपी को नीतीश कुमार से कई मायनों में फायदा हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों पर शिकंजा कसने के लिए दबाव की राजनीति करते रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि उनके पाला बदलने की चर्चा आरजेडी पर शिकंजा कसने की भी रणनीति हो सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, वहीं कांग्रेस शुरू से ही 8 से 9 सीटों की मांग करती रही है। चूंकि लालू यादव अपना झुकाव राहुल गांधी के तरफ दिखाते रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद के खोने के बाद सीट बंटवारे में भी नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। इसीलिए बिहार में चल रही चर्चा नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। देखे तो 2014 में अकेले चुनाव लड़कर जदयू ने लोकसभा की 2 सीटें जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने दबाव बनाकर 2019 में भाजपा को बराबर सीटें देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने 2014 में जीती हुई अपनी 5 सीटें नीतीश कुमार के नाम कुर्बान कर दी थी। वहीं अभी तो जदयू के पास 16 सिटिंग सांसद हैं, इसीलिए हो सकता है कि उन सीटों को बचाने के लिए भी नीतीश कुमार ने एक्शन प्लान का काम करना शुरू कर दिया है। वैसे भी बिहार में आरजेडी और बीजेपी अकेले कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। वहीं आरजेडी को कहीं ना कहीं यह मालूम है कि अगर जदयू को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो बीजेपी 2019 के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार से आसानी से हाथ मिला सकती है। देखें तो अभी एनडीए में भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को छोड़ दें तो चिराग पासवान और पशुपति पारस 2019 में भी एनडीए का हिस्सा थे। ऐसे में नीतीश कुमार की मौजूदगी में अन्य दलों को साधने में बीजेपी को भी कोई खास परेशानी नहीं होती दिख रही है। यानी कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की जिस तरह से चर्चा हो रही है वह सही साबित हो या गलत, लेकिन इससे सीट बंटवारे में जदयू को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं।